इलेक्शन कैंपेन, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर इलेक्शंस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव गिवन राइट टू डू कैंपेनिंग. पार्टीज कैन डू कैंपेनिंग टू अट्रैक्ट द वोटर्स, टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन देअर फेवर. ठीक है, व्हाइल कैंपेनिंग पार्टीज टेल देअर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू द पीपल, एंड दिस कैंपेनिंग दे कैन डू बाय गिविंग स्पीचेस, लेक्चर्स, बाय गिविंग स्लोगन्स, और यू कैन से के स्टिकर्स भी यूज करती हैं पार्टीज, है ना, ये सब कुछ, पैम्फलेट्स. पार्टीज यूज ऑल द मीन्स, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोपेगेंडा फॉर कैंपेनिंग, एंड व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग पार्टीज नेवर यूज सीक्रेट सिंबल्स. दे कांट डिमांड वोट्स इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. दे कांट यूज, कांट मिस यूज गवर्नमेंट मशीनरी व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग. गवर्नमेंट मशीनरी का मिस यूज नहीं होता. तो ये सब इलेक्शन कमीशन भी चेक करता है. एंड पार्टीज कांट मिस यूज गवर्नमेंट मशीनरी. गवर्नमेंट मशीनरी मीन समझ गए ना, गवर्नमेंट व्हीकल्स, पेट्रोल गवर्नमेंट का. तो कैंडिडेट्स अपने खर्चे से करते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे से कोई भी ये सब काम नहीं करते. तो कैंपेनिंग का राइट सबको दिया जाता है. क्यों होती है कैंपेनिंग? टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर. पार्टीज करती हैं कैंपेनिंग, एंड दिस कैंपेनिंग, ये कैंपेनिंग जो होती है 2 days बिफोर इलेक्शन बंद हो जाती है. 48 hours बिफोर इलेक्शन दिस कैंपेनिंग स्टॉप, बंद हो जाती है कैंपेनिंग. पीसफुल एटमोसफेयर हो जाता है तब. तो फिर इलेक्शन डे जब आता है तो वोटर्स वोट डालने जाते हैं. ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस वोटर्स रीच द पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट इन द फेवर ऑफ द पार्टी इन हूज फेवर दे वॉन्ट. तो ईवीएम आर यूज दीज डेज फॉर वोटिंग. ऑन ईवीएम नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल्स ऑफ द पार्टीज आर मेड. नेम ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिटन. तो कैंडिडेट्स प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट और द सिंबल टू कास्ट देयर वोट. इन इंडिया वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. नो वन एक्सेप्ट वोटर नोज इन हूज फेवर ही और शी हैज कास्टेड हिज वोट. आफ्टर वोटिंग, अब जो आप कहोगे कि बैलेट बॉक्सेस सील हो जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस आर सील्ड एंड दे आर सेंड टू काउंटिंग सेंटर्स. काउंटिंग सेंटर्स में, अब तो ईवीएम जाती हैं, काउंटिंग सेंटर्स में चले जाते हैं. एंड काउंटिंग इज डन बिफोर द, आप कहोगे कि या तो कैंडिडेट होते हैं या फिर एजेंट्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज. एजेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज आर प्रेजेंट एट काउंटिंग सेंटर्स एंड काउंटिंग इज डन बिफोर देम, ताकि कोई भी चीटिंग ना हो. तो कैंडिडेट दैट गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड विनर. तो इस वजह से वोटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग की डेट भी कौन डिक्लेयर करता है? इलेक्शन कमीशन. दैट इज ऑल्सो, ये सारे इलेक्शन कमीशन के फंक्शन बनते जा रहे हैं आपके. जो जो मैं पूछ रही हूँ वो उसके फंक्शंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपने करना है, राइट द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. तो ये सारे फंक्शंस आप एक हिसाब से साइड बाय साइड आपके हो रहे हैं. जब मैं करवाऊँ तो आपको अपने आप आने चाहिए. डेट ऑफ इलेक्शन इज, सॉरी, डेट ऑफ काउंटिंग इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन. तो काउंटिंग हो जाती है, कैंडिडेट दैट गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड विनर, वो विनर डिक्लेयर किए जाते हैं. बट इफ इन सम एरिया रिगिंग इज डन, फ्रॉड, किसी एरिया में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, रिगिंग हो जाए, तो फ्रॉम दैट एरिया इफ पटिशन इज फाइल्ड अप इन द कोर्ट, कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी दे कैन फाइल अप पटिशन, या फिर पीपल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे फाइल अप द पटिशन इन द कोर्ट. अगर फिर ये सब जो भी पटिशन फिर चेक होता है, कोर्ट प्रॉपर चेक करती है कि व्हाट हैपेंड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. अगर ये सब कुछ होता है वहां पे रिगिंग होती है, या फिर हम कहें कि बूथ कैप्चरिंग हुई किसी एरिया में, तो उस एरिया का हम कहेंगे, यहाँ तो उस एरिया में इलेक्शन कमीशन जो होता है इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करवाता है, या फिर उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता. या तो उस एरिया का रिजल्ट रोक लिया जाता है, या फिर
इलेक्शन इन दैट एरिया विल बी कंडक्टेड अगेन, दैट इज डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन। वो कहते हैं कि इस एरिया में हम दोबारा इलेक्शंस करवाएंगे। तो ऐसे होता है कई बार, ब्यास में पिछली बार हुआ था, ब्यास में दोबारा कंडक्ट करवाने थे बट वो फिर पता नहीं दोबारा हो नहीं पाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो ऐसे होता है कई बार पॉलिटिकल किसी एरिया में प्रॉब्लम हो जाए तो उस एरिया का फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, पटिशन फाइल अप हो जाती है अंडा कोर्ट, फिर उस पर उस एरिया का रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होता या फिर उस एरिया में इलेक्शंस दोबारा करवाए जाते हैं। अब नेक्स्ट इज वाइल डूइंग कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, हम तो कर रहे थे कैंपेनिंग, ये बीच में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। कैंपेनिंग में तो आप इतना ही बताओगे ना कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव गिवन राइट टू डू कैंपेनिंग, फिर आप कहोगे दिस कैंपेनिंग इज डन टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर, पार्टीज इसलिए करती हैं कि पब्लिक ओपिनियन उनकी फेवर में आए, साथ में टू टेल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पार्टीज डू कैंपेनिंग, दिस कैंपेनिंग इज डन बाय गिविंग स्पीचेस लेक्चर्स बाय इशूइंग पैम्फलेट्स या फिर स्टिकर्स, ये सब कुछ पार्टीज करती हैं, ठीक है। समटाइम्स पार्टीज यूज स्लोगन्स आल्सो वाइल डूइंग कैंपेनिंग, कैंपेनिंग करते वक्त को वो स्लोगन्स भी यूज करते हैं, एंड हियर सो मेनी स्लोगन्स आर गिवन बाय यूज बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पेपर में सेपरेट क्वेश्चन आ जाने, यहाँ पे स्लोगन देके पूछ लेना कि किस पार्टी का ये स्लोगन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक एक करके बोलूंगी, कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के अंडर उन्होंने एक स्लोगन यूज किया था दैट वाज गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी। बच्चे गरीब हटाओ लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, गरीबी हटाओ वर्ड है, ठीक है, गरीबी हटाओ। और कौन से इलेक्शंस में दिया, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय कांग्रेस पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971। अब कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बन गए के अंडर हुज लीडरशिप दिस स्लोगन वाज गिवन बाय कांग्रेस, इन विच ईयर दिस स्लोगन वाज गिवन 1970, वो असेंबली इलेक्शंस थे कि लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, तो पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस। तो ये सारे आपके वन मार्क क्वेश्चंस बन जाने हैं। 1971 लोकसभा इलेक्शंस के दौरान इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ये स्लोगन दिया गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। तो पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो पार्टी वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उस टाइम। नेक्स्ट इज सेव डेमोक्रेसी, एक ये भी स्लोगन है, सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय जनता पार्टी, हु गेव दिस स्लोगन, जनता पार्टी, जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। जयप्रकाश नारायण, उधर इंदिरा गांधी है तो इधर जयप्रकाश नारायण, इधर पार्टी कौन सी है, जनता, जनता पार्टी, एंड स्लोगन क्या है, सेव डेमोक्रेसी, सेव, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय विच पार्टी, जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश, इलेक्शन कौन से हैं, लोकसभा इलेक्शन, एंड ईयर 1977, याद रहेगा ये। नेक्स्ट द लेफ्ट फ्रंट, अब लेफ्ट फ्रंट वालों ने कौन सा स्लोगन दिया, जैसे कि हम कहते हैं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने लेफ्ट फ्रंट वालों ने कौन सा स्लोगन दिया, लैंड टू द टिलर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कम्युनिस्ट पार्टी जो है कार्ल मार्क्स और लेनिन के व्यू को लेकर चलती है और ये किसके लिए वर्क करती है, मोस्टली फॉर पीजेंट्स एंड वर्कर्स, तो इनका स्लोगन था लैंड टू द टिलर, कि जो वो लैंड पे वर्क कर रहे हैं कितने सालों से, लैंड उसी को दे दो, लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977। तो ये स्लोगन किस पार्टी, लैंड टू द टिलर लेफ्ट फ्रंट वालों ने दिया, कब दिया, लेफ्ट फ्रंट वालों ने 1977। अब ये असेंबली इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस नहीं है, कौन सी स्टेट के हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जब असेंबली इलेक्शंस हुए तो वहां पे लेफ्ट फ्रंट वालों ने कौन सा स्लोगन दिया, लैंड टू द टिलर, और कौन से ईयर में दिया, 1977, क्योंकि पहले मैंने दोनों लोकसभा के बोले हैं, लोकसभा इलेक्शंस, अब ये है असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस ऑफ विच स्टेट, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय एन टी रामाराव, किसने दिया, एन टी रामाराव, लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी, लीडर किसके,
Telugu Desam Party in Andhra Pradesh Assembly election held in 1983. Held in 1983. इट मीन्स यहाँ पे आपको कौन कौन से ईयर लर्न करने हैं, कितना इजी, अगर आप ऐसे लर्न कर लोगे नो प्रॉब्लम. सबसे पहले 1971, फिर 1977, फिर 1977, फिर 1980. अब एक मिनट, ये यहाँ पे बताओ, गरीबी हटाओ, इलेक्शन कौन से थे? लोकसभा इलेक्शन मीन्स कंट्री के होंगे वो, है ना. तो इंदिरा गांधी ने यूज किया ये, इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने यूज किया स्लोगन रिमूव पॉवर्टी. गरीबी हटाओ लिखना है, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिमूव पॉवर्टी. स्लोगन था गरीबी हटाओ. सेव डेमोक्रेसी गिवन बाय जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण. जनता पार्टी जयप्रकाश. लोकसभा इलेक्शन ठीक है, जनता पार्टी और कांग्रेस आप लोकसभा के लिए यूज करना. नेक्स्ट लेफ्ट फ्रंट वालों ने कहां पे असेंबली इलेक्शंस वेस्ट बंगाल के लेफ्ट फ्रंट वालों का स्लोगन क्या था? लैंड टू द टिलर. प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. किसने दिया? एंटी रामाराव ने. वो कहां पे? आंध्र प्रदेश मींस असेंबली इलेक्शंस. और विच पार्टी? तेलुगु देशम पार्टी. आंध्र प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी कौन सी? तेलुगु देशम पार्टी. तो तेलुगु देशम पार्टी का स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस. नेम ऑफ द पर्सन 1983 में विच स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द एंटी रामाराव. याद रहेगा. And this slogan was given during the assembly elections of Andhra Pradesh by Telugu Desam Party. Is it clear? Means दो slogan उन्होंने आपको national की parties के दिए, दो उन्होंने state की parties के दिए. ठीक है, years आपको ऐसे learn करने हैं 71, 77, 77, 83. अगर इस वे से learn रखा तो आपको भूलेगा नहीं. तो आपको वैसे भी याद रखना है, number one पे Congress है, फिर जनता पार्टी है, फिर West Bengal है, फिर Andhra Pradesh है. तो आपको लीडर्स लर्न करने हैं, ईयर्स ऐसे लर्न हो जाएंगे. इज इट क्लियर? पेपर में क्वेश्चन आता होता है राइट द स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो आपको ये स्लोगन्स चारों के चारों लिखने हैं, या फिर आपको वन मार्क में पूछा जाना है विच पार्टी गेव द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी. जनता पार्टी. विच पार्टी गेव द स्लोगन लैंड टू द टिलर्स? लेफ्ट फ्रंट वालों ने दिया. चलो इस वे से आपको ये स्लोगन्स लर्न करने हैं. अब नेक्स्ट इज लेफ्ट फ्रंट. जैसे हम कांग्रेस को कहते हैं सेंट्रिस्ट पार्टी, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट फ्रंट, क्योंकि ये उधर की साइड फेमस है, पॉपुलर है. वेस्ट बंगाल वाली साइड ये पार्टीज पॉपुलर है. तो अब यहाँ पे देख लो कि कैंपेनिंग के टाइम कैंडिडेट्स क्या क्या नहीं कर सकते, ये भी पूछ सकते हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज वाइल डूइंग कैंपेनिंग. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स वाइल डूइंग कैंपेनिंग. जब वो कैंपेनिंग करते हैं ना, तो उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्राइब नहीं दे सकते वोटर्स को. रिलीजियस प्लेसेस यूज वाइल डूइंग कैंपेनिंग, किसी गुरुद्वारे या मंदिर में कैंपेनिंग, वहां पे अपने लेक्चर्स नहीं दे सकते. और फिर सीक्रेट सिंबल्स, फिर हम कहेंगे मनी एंड मसल पावर यूज, ये सब वो नहीं कर सकते. कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट्स, बिना किसी की परमिशन के, किसी की वॉल के ऊपर कोई भी स्टिकर्स या ऐसे स्लोगन ड्रॉ नहीं कर सकते. बट आप हमारे यहाँ पे ड्रॉ किए जाते हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ बैन है बाय इलेक्शन कमीशन, ओनर की परमिशन के बिना. उसके घर की दीवारों पे, अगर रोड पे किसी का घर है तो उसकी घर की दीवारों पे वो अपना सिंबल्स ड्रॉ नहीं कर सकते. और फिर उन्होंने कहा है कि अगर तो लोकसभा इलेक्शंस हैं तो 25 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते. अगर वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं तो कैंडिडेट 10 लाख से ऊपर खर्चा नहीं कर सकते.
तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग। अब कैंपेनिंग का आंसर कितना बड़ा बन जाना देख लो। कैंपेनिंग का पहले तो पार्टी सारी को राइट है करने का, पहले तो ये बात बताओ, फिर बताओ क्यों होती है कैंपेनिंग? वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन द फेवर। पार्टीज इसीलिए कैंपेनिंग करती है, सबके पास राइट है, हर पार्टी अपनी कैंपेनिंग कर सकती है। और ये कैंपेनिंग 2 डेज बिफोर इलेक्शन बंद हो जाती है। फिर आप बताओ कि कैंपेनिंग के दौरान पार्टीज और कैंडिडेट्स हैव टू फॉलो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MODEL, मॉडल कोड, CODE, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आप बताओ, दीज आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच द पार्टी हैज टू फॉलो। फिर आप बताते जाओ कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नो रिलीजियस प्लेस इज यूज बाय द कैंडिडेट वाइल डूइंग कैंपेनिंग। फिर बताओ नो सेक्रेट सिम्बल्स, कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट्स नहीं मांग सकते और रिश्वत नहीं दे सकते। नो दे कांट गिव ब्राइब टू द वोटर्स, ठीक है, और मनी एंड मसल पावर नहीं यूज कर सकते और हाँ पोस्टर्स नहीं लगा सकते दीवारों पे। ये सारा कुछ फॉलो करना होता है पार्टीज को। वो नहीं अलाउड नहीं होता। और ये भी तो कह सकते हो कि कैंडिडेट्स जो हैं, इफ देयर आर लोकसभा इलेक्शंस देन दे कांट स्पेंड मोर देन 25 लाख, इफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस देन दे कांट स्पेंड मोर देन 10 लाख। तो ये सारा, एंड दे कांट यूज, कांट मिस यूज गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी को मिस यूज, रूलिंग बॉडी कांट मिस यूज मास मीडिया, रूलिंग बॉडी हमेशा मास मीडिया मिस यूज करती है, तो रूलिंग बॉडी कांट मिस यूज, मास मीडिया भी मिस यूज नहीं कर सकते। तो दीज आर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग, एंड पार्टीज यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोगन्स व्हाइल डूइंग कैंपेनिंग। अगर आपका एक मिनट, ये क्वेश्चन तो वैसे इतना बड़ा बन रहा है कैंपेनिंग का, अगर बाई चांस किसी बच्चे का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए, उसे लगे कि उसका शॉर्ट आंसर है और 5 मार्क्स का करना, देन यू कैन राइट स्लोगन्स, देन यू कैन राइट स्लोगन्स, अदरवाइज तो नो नीड। स्लोगन्स का क्वेश्चन सेपरेट आता होता है, राइट द स्लोगन्स गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विद ईयर्स एंड लीडर, तो ऐसे क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा ही, या फिर इसमें से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ गया कैंपेनिंग का, आप 5 मार्क्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, अब मैं पूछू, इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव एंड हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट जो है दैट इज स्लो, शुड गवर्नमेंट स्पेंड मनी दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इलेक्शंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? शुड गवर्नमेंट हमेशा, चाहे कितना भी आपको बड़ी सी लाइन भी लिख दें कि अमेरिका इज डेवलप्ड नेशन, इंडिया इज डेवलपिंग नेशन, बिकॉज इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, शुड गवर्नमेंट स्पेंड दैट मनी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? हमेशा मना करना, नहीं, कभी भी गवर्नमेंट को वो खर्चा बंद नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट पे वो खर्चा नहीं लगाना। आप कहोगे इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, ठीक है, इलेक्शंस एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन 6,000 करोड़ रुपीज ऑन द इलेक्शन, करती है गवर्नमेंट खर्चा इतना, ठीक है। फिर आप कहोगे कि इफ वी सी द एवरेज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर ऑन पर वोटर दैट इज ओनली 50 रुपीज, 500 रुपीज, ठीक है। तो 500 रुपीज हैव नो वैल्यू बिफोर अवर सिविल लिबर्टीज, इफ इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड देन नो सिविल लिबर्टीज आर गिवन टू द सिटीजन्स। सो गवर्नमेंट शुड कंडक्ट इलेक्शंस बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ 500 रुपीज बिफोर अवर सिविल लिबर्टीज। If elections are not held, then government can become dictatorial at any time. वो तो कभी भी dictatorial होके बैठ जाएंगे, ठीक है? फिर हम कहेंगे कि if government can spend 10,000 crore rupees on Commonwealth Games, अगर वो इतना खर्चा Commonwealth Games पे कर सकती है, and if government can spend more than 3,000 crore rupees to buy submarine, then why not on elections? So elections are the basic feature of democracy. First feature of democracy is election, and we democratic countries elections jo hai wo unke liye must hai. For democratic countries elections are must.
So elections must be conducted by the government, but government should control the expenditure that candidates are doing during elections. गवर्नमेंट को उसके ऊपर कुछ कंट्रोल कर लेना चाहिए, खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. बट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड एट फिक्स टेन्योर, चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शंस फिक्स टेन्योर पे होने ही चाहिए. अब ये टॉपिक आप लिख सकते हो, या इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, तो क्या गवर्नमेंट इसको मत करवाए. अब ये देखो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 3500 crore rupees वाइल कंडक्टिंग इलेक्शंस लिखा हुआ है. तो 3500 crore ही करोगे आप, ठीक है. लिसन अगेन, मैं फिर बोलती हूँ, इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, व्हाइल कंडक्टिंग इलेक्शंस गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन 3500 crore rupees ऑन इलेक्शंस. इफ वी सी द एवरेज, देन एवरेज विल बी 500 rupees ऑन पर वोटर. ये देखो 500 rupees पर वोटर पे वो खर्चा कर रहे हैं, ठीक है. और इतना खर्चा आता है, तो 500 rupees की कोई वैल्यू नहीं है हमारी सिविल लिबर्टीज के सामने. ये बात बताओ, फिर बात बताओ कि गवर्नमेंट स्पेंड कितने 10,000 crore rupees. ये देखो यहाँ पे 20,000 कर दिया. पुरानी बुक्स में ये 10,000 था, चलो 20,000 crore ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है. मुझे लगता है ये 2010 की बात ही तो कर रहे हैं, तो 10,000 crore आ रहा था. चेक इट, और भी बुक्स है ना, तो प्लीज इसे चेक करना. गवर्नमेंट स्पेंड 20,000 crore rupees ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स. फिर वो कह रहे हैं कि सबमरीन पे वो 3,000 crore rupees खर्चा कर रही है. व्हाई बाइंग सबमरीन, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 3,000 crore rupees. तो व्हाई नोट ऑन इलेक्शंस विच इज द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है. तो इस वे से आप लिख सकते हो इसको. इधर इन्होंने ना खर्चे को चेंज किया हुआ है. प्लीज बुक्स, नई वाली बुक्स देखना. हाँ जी, इसमें क्या दिया हुआ है? नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स उधर 10,000 है, इधर 20,000 है. प्लीज चेक इट, व्हाई डोंट आप नई वाली बुक वाला फॉलो करोगे. इज इट क्लियर? लिसन अगेन, फॉलो जो भी मैं बोल रही हूँ ऐसे फॉलो करो. लिसन केयरफुली, गवर्नमेंट ऑन इलेक्शंस गवर्नमेंट हैज स्पेंट मोर देन 3500 crore rupees, ठीक है. इस वजह से अब नई बुक्स को फॉलो करो, नई बुक्स को फॉलो करो. एंड एवरेज ऑन पर वोटर इट इज 500 rupees. फिर कॉमनवेल्थ गेम्स पे कितना दिया हुआ है इन्होंने? 20,000 crore, 20,000. और साथ में अगर मैं पूछूं सबमरीन के लिए, तो 3,000 crore, 3,000 सबमरीन के लिए 3,000 है. 3,500 उन्होंने वोट इलेक्शंस पे दिया हुआ है. तो ये नई बुक्स में चेंज हो गया सारा. तो लर्न दिस, ठीक है. तो व्हाई नोट एंड में कह देना, इफ गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स सबमरीन, देन व्हाई नोट ऑन इलेक्शन, जो कि डेमोक्रेसी का फीचर है, मेन फीचर है. तो इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट. If elections are not conducted, government can become dictatorial at any time and can misuse its powers. And फिर लोगों को क्या नहीं मिलेंगी फिर? Then citizens will not be given civil liberties by the government. हाँ, this weakens the basic. If elections are not conducted by the government, then this democracy, this weakens the basic foundation of डेमोक्रेसी. डिपेंड अपॉन योर विश, आपने इसको कैसे करना है, ठीक है. हाँ, गवर्नमेंट डिक्टेटरियल हो जाएगी. अब टॉपिक आज के जो हमने किया, दैट इज इलेक्शन कैंपेन. कैन यू राइट फ्यू लाइंस अबाउट कैंपेनिंग? इसी में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. व्हाट डू मीन बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस. एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर आल्सो इश्यूड बाय, देखो सब कम इलेक्शन कमीशन के. अब मैं फंक्शंस तो मुझे लगता करवाऊ ही ना, क्योंकि फंक्शंस तो आपको आ गए इलेक्शन कमीशन के, कितने ही आ गए हैं आपको. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर आल्सो इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन. नहीं, मैं करवाऊंगी फंक्शंस भी. फिर उसके बाद कैंपेनिंग के बाद क्या है? डिफरेंट स्लोगन्स यूज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं वो स्लोगन्स. उसके लिए इयर्स कौन से लर्न करने हैं? 1971, 77, 77, 83. इस वे से लर्न कर लोगे तो आपको भूलेगा नहीं कभी भी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंदिरा गांधी वाला बताओ, फिर बताओ जनता पार्टी,
जयप्रकाश नारायण का, फिर बताओ लेफ्ट फ्रंट का, फिर बताओ तेलुगु देशम पार्टी का, पता है ना? दो असेंबली इलेक्शंस किए हैं, दो लोकसभा इलेक्शंस। तो इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तीन नंबर में, व्हाट यू मीन बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो आप लिखोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर आप कहोगे कि दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। फिर इसमें बताओगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कांट डू दीज थिंग्स, वो क्या क्या नहीं कर सकती। आप वो सारा बताओ कि वो क्या क्या नहीं कर सकती, क्यों ना उनके उनको एक तो वो ब्राइब वाला पॉइंट बताओ, रिलीजियस प्लेसेस, सेक्रेट सिंबल्स, कास्ट एंड रिलीजन के नाम पे वोट, फिर गवर्नमेंट मशीनरी मिसयूज नहीं करनी, ठीक है, बस मनी एंड मसल पावर यूज, नो ब्राइब। नेक्स्ट इज अगर आपको आए इन इंडिया इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव, तो कैन यू राइट, अब इस नई बुक में लिखा हुआ है 3500 करोड़, ठीक है, ऑन इलेक्शंस एवरेज ऑन पर वोटर 500 रुपीज। कॉमनवेल्थ गेम्स का कितना दिखा हुआ है 20,000 करोड़, 10 नहीं है 20,000 है, पुरानी में 10 था, पर ईयर तो वही दिखा हुआ है 2010, तो खर्चा कैसे इसमें बढ़ गया, चलो तो ईयर तो वही है, पहले वो कह रहे हैं 10,000 करोड़, अब वो कह रहे हैं 20,000 करोड़। नेक्स्ट इज सबमरीन पे 3,000। फिर आप कंपेयर कर दो कि अगर गवर्नमेंट इन चीजों पे इतना खर्चा कर रही है, देन व्हाई नॉट ऑन इलेक्शंस व्हिच इज द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। इसमें आपका आ जाना है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इन इंडिया आपको आना टॉपिक बनना, व्हाट डू मीन बाय इलेक्शन कमीशन, राइट इट्स फंक्शंस। अब ये वाला हमारा टॉपिक आना है कि इलेक्शन कमीशन बताओ और उसके फंक्शंस बताओ। फंक्शंस तो आप साइड बाय साइड कितने ही कर चुके हो, जब आपने करना आपको अपने आप आने हैं। बस इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें तीन मेंबर्स होते हैं, वन इज कमिश्नर, अदर आर हेल्पर्स। पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए 324, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज दैट डिस्क्राइब अबाउट द इलेक्शन कमीशन। 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रॉपरली मैंशनड है सब कुछ। कितने मेंबर्स होते हैं? 3। तो फिर आप बताओगे वन इज कमिश्नर, अदर आर, कौन इसे अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन जो है, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। टेन्योर इज 6 years, टेन्योर इज 6, एक साल वो तैयारी नहीं करते, वो वोटर्स लिस्ट वो सारा काम करके रखते हैं ना, ईवीएम वगैरह रेडी करते हैं, तो टेन्योर इज 6 years, इनका टेन्योर 6 years होता है, ठीक है। फिर इनके फंक्शंस तो आपको कितना ईजी है, सबसे पहले तो नंबर वन पे वो क्या करते हैं, डेट ऑफ, किसकी डेट डिक्लेयर करते हैं, इलेक्शन की। फिर नॉमिनेशन पेपर, विड्रॉल, काउंटिंग, सारा है ना, वो सारा डिक्लेयर करते हैं। फिर गिव रिकॉग्निशन टू द पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल, यही देते हैं कि ये पार्टी नेशनल है, ये रीजनल है, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। और क्या करते हैं, चेक रिगिंग ड्यूरिंग इलेक्शन एंड गवर्नमेंट मशीनरी आल्सो, इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, है ना। और क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन, और बोलो, हाँ, और रिकॉग्निशन देते हैं, और तो ये कितने फंक्शंस बन जाएंगे जब आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अब यही है हमारा कि इलेक्शन कमीशन, व्हाट डू मीन बाय इलेक्शन कमीशन, राइट इट्स फंक्शंस। चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। आज आप इतना ही करो, कैंपेनिंग, इलेक्शंस आर एक्सपेंसिव एंड स्लोगन्स यूज्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज।